जल्दी जल्दी हम लोग पांच मिलियन की तरफ को बढ़े यार तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना चलते हैं वीडियो की तरफ को और बाकी लाइक का गोला हंड्रेड के लाइक और अब प्रॉमिस वीडियो की तरफ को चलते हैं <laughs> गाइस यार हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने माइनक्राफ्ट लेट किंगडम के अंदर कहने का मतलब हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर हम लोग अबे ये क्या हो रहा है रुक जाओ इसके आत्मा को अबे अबे मैं तो मां मैं तो मारना आता है दो मिनट और रुक जाता यार एक कूल मोमेंट दे देता मैं जरा जनता को देखने के लिए बट ठीक है कोई बात नहीं तो गाइस वेलकम बैक हो चुका है तुम लोग हमारे फ्लिट किंगडम के अंदर और आज हम लोग बनाने वाले जैसे मैं तुम लोग बताया एक स्टोरेज रूम क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से कॉमेंट बॉक्स में बोले थे और मेरे को भी खुद से था कि हम लोग को एक स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा उससे पहले मैं तुम लोग को जरा एक चीज दिखा दू जो कि शायद से तुम लोग काफी ज्यादा टाइम से देखना चाहते हो पर मैंने तुम्हें दिखाई नहीं क्योंकि सर्वाइवल का वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है बट ठीक है देखो ये मैंने पूरा ओके वाह वाह ये मर ही नहीं रहा है भाई उछले जा रहा है इधर तो उड़े जा रहा है मरने का नाम नहीं ले रहा है चलो कोई बात नहीं तो गाइज ये मैं तुम लोगों से बोला था मैं गारंटीड इसको बना दूंगा दोबारा में देखो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं काम कर रहा है मैंने यहाँ पे अपने लिए ये भी छूट गई सॉरी चलो अभी मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ये रखे ओके सब बस हमें इसको ऑन करना है ये यहां से बोन मिलवाना स्टार्ट कर देगा यहाँ से एक बटन दबाना है बस और ये देखो ये चालू हो चुका है ठीक है तो ये टी एन टी पर फाइनली काम कर Okay, में, को सच्ची में डर लग गया था मेरे को लगा वो फूटने वाला है भाई ठीक है कोई बात नहीं अब हम लोग कुछ नहीं करें। यहां पे खड़े होके करे हो टू मच वर्क टू मच वर्क इन माय लाइफ मैन ओह वुड काटना अरे ये क्या खुल गया गलती से <laughs> वो डिस्पेंसर खुल गया वुड काटना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है देख रहे हो तुम लोग ओहो लकड़ी लाना बहुत मुश्किल हो चुका है यार बस यहां पे बैठ के स्पैम ही तो करना है <laughs> अब देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं इसको बंद करते टी एन टी ड्यूपर को और ये कटर कटर की आवाज को भी जरा बंद कर देते हैं बस हो गया बंद हो जा प्लीज टीएनटी ड्यूपर टी बंद हो जा बंद हो जाए बंद हो गया बढ़िया ठीक है तो ये फाइनली हो चुका है देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा टूटा टी से बच बच के पूरा टूट गया और ये देख लो नीचे हम लोग को पच्चीस ओ क्लॉग मिल चुका है फ्री का तो हम लोग कुछ नहीं करना वहां पे खड़े होकर बस ओ क्या जो भी हम लोग लगाते हुए लगाते रहे ना ऊपर से हम लोगों को देख लो ट्रीज भी मिल रहे है और इसके अंदर भी आए होंगे ओके इसके अंदर नहीं आए बट ठीक है कोई बात नहीं हम लोगों को ट्रीज भी मिल रहे हैं ठीक है तो हम लोगों को सामान भी मिल रहा है और सारी चीजें भी मिल रही है तो ये तो अपना काम हो चुका है ये हम लोगों ने पूरा कंफर्म कर दिया बट अब मैं सोच रहा था सुनो सबसे हाईएस्ट प्लेस आई गेस मेरे घर के पास मैंने करके करा ठीक है वो देखो तो सबसे हाईएस्ट आई थिंक मेरे घर के पास यही है तो देखो मैंने क्या सोचा मैंने सोचा कि एक बड़ा सा चेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर हमारा स्टोरेज रूम होगा समझ लो मतलब एक चेस्ट होगा चेस्ट के अंदर पूरी स्टोरेज लगी होगी जिसके अंदर आइटम शॉर्टर लगे होंगे मैं कुछ भी सामान कहीं पे भी डालू मतलब कहीं पे भी नहीं एक चेस्ट के अंदर डालूंगा और वो खुद ही अपने आपको शॉर्ट करके हमारे सामने पेश कर देगा ये लीजिए जहां पर ना आपका आइटम तो ऐसे करके मस्त होगा बट यस मैं सोच रहा था कि अगर मैं उस चेस्ट को यहाँ जो कि बहुत बड़ा चेस्ट होगा ऑलमोस्ट 31 वन ब्लॉक से ज्यादा घेरेगा हाइट 11, 12 पता नहीं कितनी जाएगी मेरे को अभी नहीं पता और उसके साथ साथ वो गहराई में भी 27 सेवन होगा तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बनाता ना तो वो गारंटीड बाकी बिल्ड्स को थोड़ा सा छुपा देगा तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं इसको ओशियन के ऊपर बनाता हूँ बिल्कुल सही मैं अपना जो आइटम्स ऑर्डर होगा जो अपना पूरा स्टोरेज रूम होगा वो मैं ओशियन के ऊपर बनाऊंगा वैसे भी तुम्हें पता है मैं पानी से कितना कनेक्टेड बंदा हूँ बिल्कुल सही तुमने तुम लोगों को सब पता है ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको यहाँ पर बनाया जाए कहने का मतलब जस्ट इसके बगल में और इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर उसको बनाते हैं और बाद में मैं क्या करूंगा ना मैं प्रॉपर ऐसे रेलवे लाइन ये सब डाल दूंगा ताकि हम लोग यहाँ भी जा सके वहां भी जा सके हर जगह पर हम लोग एकदम ईजिली जा सके अभी के लिए तो जैसा भी हो रहा है ये ठीक है थोड़ा सा आड़ा तेड़ा हो रहा है थोड़ा गंदा दिख रहा है बट यस मैं यहां पर पूरी की पूरी लाइक रेलवे लाइन अभी चलने की लाइन छोड़ने वाला हूं पर अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि यहां पर हम लोग अपना एक पूरा का पूरा वुडन चेस्ट बनाने वाले हैं जो कि हम लोग बनाएंगे तुम्हें बताया यार अगर हम लोगों को एक चेस्ट का शेप देना प्रॉपर वो दिखने का चेस्ट जैसा होगा तो अगर हम लोग को वो बना तो हम लोग को ढेर सारा कॉन्क्रीट चाहिए होगा जो कि होगा लाइक ऑरेंज कॉन्क्रीट होगा थोड़ा बहुत ब्राउन होगा थोड़ा ब्लैक कॉन्क्रीट लगेगा बट ऑरेंज कॉन्क्रीट मोस्ट प्रॉबली बहुत ज्यादा लगेगा क्या ना स्टैक के टैक लग जाएंगे। थोड़े भी नहीं मान के चलो कहीं पर भी हम लोगों को पता नहीं भाई सत्ताईस बीस चालीस टैग पता नहीं कितने लगने वाले क्योंकि बहुत बड़ा बिल्ड है और पूरा का पूरा एकदम स्क्रैच से शुरू होगा तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बस नॉर्मल कंक्रीट लेते हैं और उसका ना एक आउटलाइन बनाते हैं कहने का मतलब है कि हम लोगों को कितना बड़ा चाहिए और हम लोगों को उससे थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाएगा कि हमें कितना लाइक वो चाहिए होगा उसका राइट हम लोग उसका लेंथ वेंथ कितना चाहिए होगा हम लोग को उससे भी आइडिया जाएगा वैसे तो मैंने सोच रखा है पूरा का पूरा कि कितना बड़ा बनेगा क्योंकि आइटम्स और ना उसके दोनों साइड पर चेस्ट होंगे हम लोग एक सीधे रस्ते में जाएंगे दोनों साइड पर चेस्ट ही चेस्ट रखे होंगे वो सारी चीजें होंगी तो वो थोड़ा सा कूल दिखने का लगेगा तो इसलिए मैंने सोचा भाई कि यहाँ पर बनेंगे देखो मैं दुखाऊु तुम लोग को ठीक है मान लो कि हम लोग उसको यहाँ से खींचते हैं ठीक है ये यहाँ से करेक्ट ठीक है तो अगर हम लोग इसको गिनते हैं वन टू थ्री फोर हम लोग मानते हैं फाइव सिक्स सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी चालीस रखते हैं ठीक है ऐसे में हम लोग इसको चालीस रखने वाले और उसके बाद हम लोग इसको पीछे को खींचने वाले बट देखता हूँ रुको पहले मैं कि ये कहीं इससे टकराए ना अगर ये इससे टकराएगा तो फिर हमारा पूरा बिल्ड हाँ देखा ये देखा मैं तभी तो बोल रहा था अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा या तो फिर एक मिनट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं इसको आगे को बना देता हूँ ना इसको हम लोग इधर को बना देते हैं ये वाला आइलैंड मैं पूरा का पूरा साफ कर क्योंकि आइलैंड वैसे भी यूजलेस है मेरे लिए मैं लाइक इसमें कुछ बिल्ड नहीं करता हूं तो देखो हम लोग क्या करने वाले हम लोग फोर्टी ब्लॉक्स ऐसे बनाएंगे इसको और उसके बाद हम लोग इसको इधर को खींचेंगे अलग से फोर्टी ब्लॉक्स ऐसे और उसके बाद हम लोग को कम से कम नहीं तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से हम लोग को ट्वेंटी ब्लॉक कम से कम चाहिए लेकिन हम लोग थर्टी मान के चलते हैं ठीक है ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा तो हम लोग उसका कुछ यूज कर लेंगे बट कम नहीं होना चाहिए कम पड़ गया ना तो पूरा बिल्ड जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मान के थर्टी वन टू थ्री फोर फाइव ट्वेंटी थर्टी ओके okay, तो ये हो रहा है देख रो ये हमारी पूरी की पूरी आउटलाइन लिए तो रुको जरा मैं इसको पूरो का पूरा आउटलाइन कर देता हूँ एक मिनट तो गाइज अपना जो चेस्ट होगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा देख रहे हो तुम लोग एक बार रुको तुम्हें इधर से दिखाओ थोड़ा सा तो वो चेस्ट ऐसा कुछ दिखना रहा रहा सा रेक्टेंगुलर लाइक पतला वाला रेक्टेंगल हो रहा है कोई बात नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो थो चलता है यार <laughs> तो यस ऐसे या, हमारा ऐसे करके होने वाला है मे भी अगर मेरे को ज़्यादा ही पता लगेगा तो थो, थोड़ा सा इधर को खिसका देंगे वरना कोई सीन नहीं है मेरे को तो वैसे कूल ही लग रहा है देखते हैं जैसा भी रहेगा अभी हम लोगों को लेकिन सबसे पहली चीज़ जो होगी ना वो होगी भाई हम लोगों को ढेर सारा ग्रेवल और ये चाहिए होगा लाइक सैंड चाहिए होगा राइट ग्रेवल और सैंड से बन भाई मैंने कितने टाइम से कॉन्क्रीट नहीं बनाया यार मैंने लास्ट टाइम कॉन्क्रीट का बनाया था पता है जब मैं वो नीचे सामान जम लाइक वो जमा कर रहा था ना मॉब्स तो मैंने कॉन्क्रीट बनाया था रुको जरा एक बार फटाफट से चेक कर दिया था मैं कहता ग्रेवल और सैंड चाहिए होता राइट ग्रेवल और सैंड से बनता है कॉन्क्रीट राइट कॉन्क्रीट चेक करते हैं जब ग्रेवल और सैंड से बनता है ग्रेवल और सैंड हम लोगों को चाहिए ढेर सारा सैंड आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक हम लोगों के पास सैंड की कमी है लेकिन ग्रेवल वो अलग स्टोरी है भाई हम लोगों को ग्रेवल बहुत ज्यादा अच्छी होगा लेकिन सैंड की अपने पास कमी नहीं आई होप वो अभी भी पड़े हो भाई मेरे पास लेजेड शुलकर के शुलकर भरे हुए लाइक सैंड के रुको जरा चेक कर लेते हैं अरे यार मेरे ख्याल से मैंने सारे शुलकर ले गया पे। बट आई होप इसमें भी पड़ा हो एक अभी नू <Sans> <लिखे> नी नूनी नी यप मैं सारे के सारे वहीं पर लेके आऊँ तो मोस्ट प्रॉबली मेरे को मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है जमा करने में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगना है मेरे को बस हाँ मेरा शवल पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गया हूँ मेरे को अपना शवल लेके आना पड़ेगा बस बाकी अपने पास वुड वुड की कमी नहीं होने वाली है तो जितने चेस्ट बनवा लो उतने चेस्ट बनवा लो कोई दिक्कत नहीं है हॉपर ऑपर सारे के सारे चेस्ट वेस्ट ये सब तो आराम से बना सकते हैं हम लोग कोई बीटी वाली चीज़ नहीं है बस हम लोगों को क्या करना है रुको जरा एक बार चेक कर ले तो मेरे बात प्लीज़ यार कहीं पर तो पड़े हो वो सैंड वाले छुल यार वरना मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं ला नहीं सकता हूं मैं ला सकता हूँ बट फिर मचा नहीं आएगा ना लाने में यार जब पड़ा है सामान तो मिल जाए तो बढ़िया है वही एक मिनट ये कॉन्क्रीट है क्या वाइट कॉन्क्रीट है ये वही वाइट कॉन्क्रीट को मैं कलर कर सकता हूँ क्या क्योंकि मेरे को येलो ही तो चाहिए रुको जरा ये रहा येल्लो डेंडी लाइन अगर ये कलर हो जाता है तो भाई मेरे से मेरे से ज्यादा कोई अभी खुश नहीं होने वाला मेरे को इतना सारा कॉन्क्रीट फ्री का मिल जाएगा रुको जरा प्लीज कलर हो जाए बनाते टाइम ही डालना पड़ता है कलर यार वाइट कंक्रीट ग्रे कंक्रीट नहीं बनेगा मतलब येलो कंक्रीट नहीं बनेगा नो नी उह, ओके, मैं, मैं खुश हो गया दो सेकंड के लिए मैंने कहा हैं सैंड ओए हम लोग पूरा सोने का भी तो बना सकते हैं एक मिनट देखते हैं। चलो जैसे भी रहेगा देखते हैं तो मेरे को दो मिनट दो सबसे पहले मेरे को एक बढ़िया सी शवल बनानी पड़ेगी और उसके बाद चाहिए बोल दो डायमंड एक, एक मिनट ये अच्छा ये तो वो है फालतू की हो भाई वो हो क्या काम आती है पूरी गेम में खाली थोड़ी बहुत सिंचाई के है? है थोड़ी बहुत बस ज्यादा काम थोड़ी ना है खाली खाना ही तो खिला के दे देती है है ना दोस्तों ज्यादा काम नहीं है चलो अभी हम लोग क्या करते हैं फटाफट -फड़ से अपने लिए एक बढ़िया सी ये बनाते हैं शवल बनाते हैं और ये देखो शवल बन गई दोस्तों देख लो काम देख रहे मेरे वाह बेटे वाह शवल बना दी मैंने दो मिनट में भाई वाह 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 रुको प्लीज हम ओ एफिशिएंसी फोर ठीक है मेरे को चलेगा फोर चलेगा मेरे को ठीक है एफिशिएंसी फोर और उसके साथ ओह अनब्रेकिंग थ्री ओके अपने को चाहिए थोड़ी सी मेंडिंग और बाकी ज्यादा सामान हम लोग को चाहिए नहीं आई होप मेरे पास थोड़े बहुत एमरेड जहाँ भी पड़ेगा क्योंकि मैंने बीच में बहुत ज्यादा खर्चा करा है एमरेड का तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना पड़े होंगे और अगर एमरेड नहीं पड़े होंगे तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा इसमें मेरे को ना रेड करवानी पड़ेगी या मुझे पता था मैंने सारे एमरेल्ड बीच में अभी जाके खर्चा कर दिया था तो मेरे को दो मिनट दो पहले हम लोग एक काम करते हैं सोते हैं सुबह करते हैं और उसके बाद एक रेड करवाते हैं यहाँ पे और उसके बाद जाके हमारे पास अभी काइनेटिक एनर्जी से मर गया था भाई मैं बिल्कुल ही एकदम ऐसा फालतूगिरी कर देता हूँ ना यार दो मिनट देना मेरे को गाइज रेड करवा के एमरेट ला के और इसमें भाई जल्दी से अपना मैंडिंग डाल के सीधे निकलते हैं और ढूंढते हैं भाई सामान तो गाइज हम लोग आ चुके हैं आई गेस आउटपोस्ट ये रहा बस अब इनका कमांडर आ जाए ना जल्दी से भाई यार तुम्हारे मालिक साहब कहाँ है मालिक साहब को लेकर आओ बच्चे मुझे मत करो यहाँ मालिक साहब को बुलाओ मालिक साहब को बच्चों से नहीं लड़ता मैं अरे मारो मत भाई हेलो बेजती करवा रहे हो मेरी यहाँ कहाँ है तुम्हारे मालिक साहब कहा मालिक साहब हेलो अरे वो अबे ये तब से यही है कि लास्ट टाइम भी देख के गया हूँ मैं इसको यार ट्रेडर को कुछ अच्छा दे रहा है तो देखूँ जरा वरना ज़्यादातर तो ये लोग लूट ही रहे होते हैं भाई क्या पता कुछ काम का दे रहा हो गन पाउडर लाइट कॉलीफ्लावर ऑक्सीडेजी ओ भाई फाइनली इनके मालिक आ गए भाई अरे वाह 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 वा। अरे वाह 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 अरे वाह 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 अरे वाह 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 ओके ओ भाई मैं अभी जाने वाला था स्पोर्ट्स से अगर मैं स्पोर्ट्स से जाता तो तुम्हें पता क्या होता अभी भाई हम लोग हाँ। हम लोग डायरेक्टली भाई निकलते अपने घर पे और घर पे निकलते तो घर में ही रेड हो जाती तुम समझ रहे हो घर में रेड होना कितना ज़्यादा खतरनाक होता अभी भाई सोचो तो सही थोड़ा दिमाग लगाओ ना घर में रेड हो जाती तो भाई जितने भी वो थे रेडर वेडर वो सारे के सारे एक जगह पर जाता मैं रेड फार्म किसी काम का ही नहीं होता भाई थोड़ा बहुत एमरेट मिल जाते दो तीन एमरेट थोड़ा चाहिए मेरे को चाहिए स्टैक के स्टैक चलो फटाफट -फड़ से चलते हैं और देखते हैं अगर हमारा रेड फार्म अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हम लोग रेड फार्म पे आ चुके हैं गाइस लेट्स होप कि रेड फार्म काम करो ठीक है थीके? मैं पूरा नीचे से आऊँगा यप इसके बगल से आएंगे हम लोग ताकि प्रॉपरली हमारा रेड फार्म काम करे लेट्स गो चल अरे तो ये कांच ही कांच कर रखा है हर जगह पे लगता है यहीं से रस्ता है चलो रेड स्टार्ट होने वाली है गाइस रेड स्टार्ट होने वाली है बस चल दे ऊपर को जल्दी चल दो भाई प्लीज भाई प्लीज आ जा यस आगे बढ़िया अब बस ये पानी खुल जाए भाई ये खराब ना हो गया हो देखो पानी खुलेगा ये सारे के सारे नहीं ओ भाई ये कितने आ रहे हैं ओके खुल गया पानी देर भी गो सारे के सारे नीचे गिरते रहेंगे आते जाओ आते जाओ आड आओ, आओ। ओमैन चले गया मेरे पास तो ये ध्यान नहीं देखिए देखो बैड ओमैन दोबारा मिल जाए ओके बैड तो मिल गया बैड ओमैन मिल गया बाय बाय ओके आई गेस गाइज हम लोगों के पास काफी सारा सामान होना चाहिए एट दिस पॉइंट ठीक है एक बार चेक करते हैं प्लीज़ हमारे पास यस हमारे पास फिफ्टी वन आ गए आई डोंट थिंक वन एमरेल से ज्यादा हम लोगों को चाहिए भी होंगे अभी के लिए ठीक है अभी के लिए अपना फिफ्टी वन से भी काम हो जाएगा ये मेरे को सारा व्हाइट कॉन्क्रीट फेंकना पड़ेगा फॉर तुम समझ रहे हो ना मेरे को समझा काम वाम नहीं है ठीक है तो ये सारा का सारा हम लोग छोड़ देंगे बट ठीक है कोई बात नहीं चलो अभी अपना सारा का सारा सामान जो है मैं ये क्लीन करता हूं पहले फटाफट और उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा ढेर सारा ये लाइक सैंड तो हम लोग कर लेंगे सैंड का तो हम लोग को पता है डेजर्ट ही डेजर्ट पता है बस हम लोगों को जो मेन चीज वो है ग्रेवल भाई ग्रेवल के हम लोग को स्टैक पे स्टैक चाहिए जितना सैंड उतना ग्रेवल भी ठीक है और मेरे को मैंडिंग खरीदने के लिए ही चाहिए था और मैंडिंग तो यहाँ पे फेंका हुआ मिल रहा है मेरे को लिटरली मैंडिंग खरीदनी थी इसीलिए मैंने इतना ये सब करा और लास्ट में मैं <laughs> कोई बात नहीं गाइस कभी कभार मेरे को चेक भी करना होता है ना यार कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है मैंने तो खाली काम चेक करने के लिए किया है तुम्हें क्या लगा <laughs>

ओके okay, तो गाई मैं फटाफट से पहले सोता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से सी... भाई रेट खुद ही गायब जाएगी कुछ टाइम बाद ठीक है तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं सीधे जा रहा हूँ ग्रेवल और सैंड जमा करने तो तुम लोगों से मिलता लोग दो मिनट के अंदर ढेर सारी ग्रेवल सैंड और थोड़े बहुत येलो डेंडी लाइन भी लेके आता हूँ आए नहीं ये लोग घर के नीचे ओके गाइस तुम्हें सामान जमा करके मिलता हूँ मेरे घर पे मेरे घर पे हमला है मेरे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मेरे घर पे हमला है मेरे घर पे हमला करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा हाँ, फनी जोक तो कहा यार थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया बट फाइनली भाई मैंने जैसे सैंड जमा करी मेरे को याद था कि मैंने कहीं पर तो ग्रेवली हिल्स देखी हुई कहने का मतलब है ऐसे माउंटेन जो ग्रेवल से बने हुए थे तो जो तुम ने माइनक्राफ्ट में देखे थोड़े से रेयर होते हैं बट मैं जिस टाइम पे अपने लाइक ये थोड़ा सा ना मेरे किसके पास है पता तुम लोगों को ये हम लोगों की जो एंशियन सिटी है उसके थोड़ा पास है ठीक है तो मेरे को हुआ था कि मैंने रास्ते में कहीं पर तो देखे है तो हम लोगों को भाई फाइनली वापिस से मिल चुके ग्रेवल लैंड सी सी बात है अगर मैं पानी के अंदर से एक एक स्टैक ग्रेवल का लेके आऊ ना और सोचो एक सुनकर मैं

ऐसे ही रात काटनी पड़ेगी यहां पर यार मेरे को अपना सिल्क टच करना चाहिए था यार मैं यही सोच रहा था मैं सोच रहा था कि यार फॉर्चून लगाऊँ सिल्क टच लगाऊं अब हम लोगों को जब पूरा ग्रेवल चाहिए तो मैं कायदे सिल्क टच चाहिए था राइट हम लोग को बीच बीच में अब ऐसे करके फ्लिंट मिलता रहेगा और उतना ही हमारे ग्रेवल का नुकसान होते रहेगा बट कोई बात नहीं चलो जैसा भी है एटलीस्ट इतना सारा ग्रेवल तो मिल गया ना तो मेरे को दो मिनट देना ये सारा का सारा ग्रेवल निकाल के भी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बस थोड़ी देर में आई होप इतने कॉन्क्रीट में हो जाए मैंने थोड़ा गोल्ड का भी कुछ सोचा हुआ है तो <laughs> बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम लोग देखो बस भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये फार्म नहीं होता ना मेरा क्या ही होता रे मैं लेजेड बता रहा हूँ मेरी ना शवल ऑलमोस्ट टूट गई थी सारा का सारा सामान हम लोग ने जमा कर दिया ग्रावल ग्रेवल सब कुछ ग्रेवल थोड़ी ज़्यादा ही जमा हो चुकी है लिटरेली ब्रो लेकिन ठीक है सारा का सारा सामान जमा कर चुका है मेरी शवल ऑलमोस्ट टूटने वाली थी और बाय द वे इसमें मैंने स्ल टैप भी लगा लिया क्योंकि बहुत सारा ग्रेवल वेस्ट हो रहा था यार और फाइनली सारा का सारा सामान आ चुका है बट यार इस फार्म की जितनी अप्रिसिएशन करी जाए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कम है रे ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ार्म है यार ये बहुत ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा फार्म है भाई देख लो दो सेकंड में इसने हमारा वो कर दिया और ऊपर से हमारा साठ लेवल होने को आ रहा है जो कि मुझे नहीं करना है ठीक है ना रोको इसको भी थोड़ा सा हील कर ही देता है भाई गए यहाँ तक तो बाकी सारे सामान को भी थोड़ा थोड़ा हील कर ही देते हैं ना देर भी को भाई देख लो दो सेकंड लगते हैं भाई इसको हील करने के लिए चलो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते गाइस देर बी गो अरे इसको भी इसमें डालना खाली क्यों जगह खराब करनी है अपने ठीक तो है तो अब निकलते हैं फटाफट से सीधे घर के लिए हमारा सारा सामान जमा हो चुका है बस ओके ओ, 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 अभी हो जाता ओ, ओ, जाना, तुझे चलो अब हम लोगों को जाना है गई सीधे हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत येल्लो फ्लावर का लाइक वो करना है हम लोगों को क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है आ, एक मिनट रुको बिल्कुल भी नहीं है हेलो फनी फनी वेरी फनी वो रुको रुको येल्लो क्यों हम लोग को ऑरेंज कलर यूज़ करना चाहिए ना ये अभी अच्छा हुआ येलो नहीं करा क्योंकि देखो कायदे से देखा जाए तो ये देखो ये चेस्ट देखो ये चेस्ट ऐसा नहीं लग रहा ऑरेंज कलर का है देखो ऑरेंज है बीच बीच में हल्का फुल्का डार्क ऑरेंज टाइप का बीच बीच थोड़ा बहुत येलो भी है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं पता है क्या हम लोग थोड़ा येलो भी रखते थे थोड़ा ऑरेंज भी रख सकते हैं तो रुको जरा एक मिनट हाँ ये लोग तो अभी सो रहे हैं ना अभी मारेंगे तो नहीं एटलीस्ट ये रख लेते हैं हम लोग ठीक है हम लोग थोड़ा बहुत शुल्क लाइक उसका यूज़ करके डर्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डर्ट बोल रहा हूँ अपना क्या बोलते हैं यार उसको भूल गया यार हम लोगों का वो होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको यार बोन बोन मिल बोन मिल यस बोन मिल बोन मिल का यूज करके हम लोग ढेर सारे निकाल सकते हैं यहाँ पर से जरा इसको यहाँ पर और थोड़ा बहुत और बोन मील बोन मील थोड़ा सा और बस ये रहा ठीक है ढेर सारी ये कुछ ज्यादा ही हो गया रे चलो अभी हमारे पास एक और खाली छुलकर नहीं है ना खाली छुलकर मिल जाता बस एक चलो कोई नहीं खाली के 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 अभी लिए इसी अंदर भर देता है पूरा का पूरा ठीक है अभी हम लोगों के पास वैसे भी बहुत सारे चेस्ट खाली खाली होने वाले जिसके अंदर हम लोग ढेर सारा सामान भर पाएंगे बट यस yes, पहले हम लोगों को रुको जरा ये कर लेते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको यहाँ पे इसको लगाइए नहीं मिलेगा क्या रुक जाओ जरा ऐसे नहीं होता काम यार ऐदा नहीं चल दे काम सोनिए चलो यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा रुको जरा अरे यार ये लोग क्यों परेशान करने आ रहे हैं रुको हमें ऐसे करके करना पड़ेगा अब इसमें से हम लोगों को ये फ्लावर्स चुनने पड़ेंगे थोड़े बहुत मेरे को फिर से दो मिनट देना गई जरा मैं ढेर सारा ऊ वाओ ढेर सारा येलो फ्लावर जमा करके आता हूँ ठीक है मेरे को दो मिनट देना गाय बस मैं आ रहा हूँ तो यार हो चुकी है एकदम न्यू गुड मॉर्निंग और ये चाचा यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार इनको भाई इनको बड़ी बेचैनी होती है भाई इन लोगों को पहले हर जगह पहले पहुँच जाते वाले अंकल नहीं होते जो जेबीसी जेबी है जेसीबी जेसीबी बाद में खुदती है और ये पहले पहुँच जाते हैं अंकल देखने के लिए भाई वैसे वाले रहते हैं ये ठीक है तो देखो अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तुमने ये कंक्रीट का बना के खराब कर दिया बट एक्चुअली मैंने दिमाग लगाया था तो हम लोग बेसिकली क्या करना है इस कंक्रीट के बाहर बाहर हम लोग रुको जरा एक काम करते हैं एक की हाइट हम लोग नाप लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है मैं सोच रहा हूं ग्यारह की हाइट आई थिंक बहुत ज्यादा होगी लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं होगी बट फिर भी ग्यारह बहुत ज्यादा होता है राइट तो हम लोग एक काम करते हैं हम लोग उसके ग्यारह की हाइट रखते हैं और उसके बाद एक मिनट रुको मे भी मेरे को इसको यार एक मिनट इसको हम लोग हटाते हैं हम लोगों को कायदे से वैसे कोने कोने पे एजेस पे ना हम लोग काले से इसको करने वाले दो हम लोग काला छोड़ने वाले राइट तो हम लोग सीधे डायरेक्टली इसको ब्लैक से करते ना बाद में हम लोग को इसको हटा के फिर ब्लैक कॉन्क्रीट लगाना पड़ेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और बार वो खुद नीचे है ठीक है एक बार देखते दूर से कितना ज़्यादा ऊंचा लग रहा है अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा होगा तो फिर नहीं ये तो एक्चुअली और ज्यादा कम लग रहा है अगर देखा जाए तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको रेक्टेंगुलर है डबल चेस्ट वाला लुक देंगे थोड़ा सा तो इसलिए ठीक लग रहा है अगर सिंगल होता तो फिर मे बी अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को फिर तीस करना पड़ता तुम समझ रहे हो हम लोग को थर्टी करना पड़ता है इसको तो ठीक है बारह है, तेरह चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह ये कितना था ऐसे ऐसे लेंथ में फोर्टी है राइट ये ऐसे में फोर्टी है ऐसे में थर्टी है तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोगों ने इसको कितना सत्रह कर दिया अट्ठारह उन्नीस बीस ट्वेंटी आई गैस बहुत ज़्यादा सही है ठीक है तो ये हो गया अपना ट्वेंटी आई होप यू ट्वेंटी हो यार <laughs> इधर उधर ना हो जाए तो हम लोग इससे बढ़िया क्या करते हैं तो अब हम लोग लो निकालेंगे अपना ऑरेंज वाला कंक्रीट ठीक है लास्ट में हम लोग इसमें पानी मार देंगे और एक साथ सारा का सारा सही कर देंगे तो हम लोग को अब क्या कर रहे हैं अब हम लोगों को इसके साइड साइड से एक जगह और छोड़ के यहां पर भी ब्लैक कंक्रीट आएगा भाई देवे ठीक है तो इस जगह को और छोड़ नहीं यहाँ पे नहीं ठीक है तो इस जगह को छोड़ के बस हम लोग भाई यहाँ दो भाई ये सोने से कम नहीं है मेरे लिए अभी ठीक है ना कितनी मेहनत से जमा करके लाओ मैं ही जानता हूँ इसको तो गलती से भी छोड़ूंगा नहीं मैं ठीक है ना चलो अरे यार इस साइड को जाना है थोड़ा सा ओ, ये तो कंक्रीट बन गया उप <laughs> चलो अभी हम लोग क्या करने वाले अब हम लोग इसको पूरा का पूरा ऐसा लाइन खींचते हुए इसके हाइट तक का लेके आएंगे एक इधर से छोड़ेंगे एक इधर से छोड़ेंगे ताकि ये ऐसे हम लोग हर एज से हर कोने पे तीन तीन पिलर ब्लैक वाले के होंगे ठीक है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं फटाफट से यहाँ पर ऐसे करके इसको ट्वेंटी की हाइट तक का के लेके आता हूँ ठीक है एक्चुअली उधर से करना चाहिए ट्वेंटी वो है ना इसका नहीं पता मेरे को ये कितना है ही बताऊँ तो <laughs> देखना पड़ेगा पता चल जाएगा तो भाई इसी के साथ हम लोगों ने कर लिया और एक फनी चीज बताऊँ ये उधर से बड़ा लग रहा था राइट ये उधर से बड़ा लग रहा है एक्चुअल में ये छोटा है हैं भाई बड़ी फनी चीज है यार ये मेरे को लिटरली लग रहा था उधर से कि कितना ज्यादा ये ज्यादा ऊंचा बना दी ये कर दिया वो कर दिया भाई लेजिट ये छोटा है उससे सोच रहे हो तुम लोग भाई जो ही था लेकिन ठीक है ये ये चीज सही लगी मेरे को ये देखो कितना आ हाँ ये देखो कितना ईजी है भाई वाह 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 कूदते कूदते कुछ बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है बस यहाँ से गिराते जाओ वो खुद ही ऊपर आ जाएगा वाह वाह ये हुई ना बात ये हुई कुछ बात तो गाइस हम लोगों ने फ्रंट अभी के लिए इसका कंप्लीट कर दिया है बस अभी मेरे को एक कंफ्यूजन में आ गया हूं मैं जो कि मैंने थोड़ी सी मे भी मेरी तरफ से हल्की सी गलती रह गई होगी जो कि गलती तो इंसान से ही होती है सही कहा ना दोस्त रुको देखो तीन पे आ, ये रहा ट्वेंटी ठीक है तो ये देखो ये हम लोगों ने अभी के लिए बना दिया बट एक छोटी सी गलती हो गई कि मेरे को ना इसको एक्चुअली ऊपर वाले भी दो जो थे वो मेरे को ये वाली लाइन जो थी ना ये वाली लाइन ये लाइन मेरे को बेसिकली अब को तो ध्यान से खोदना पड़ेगा ना ये गलती से भी थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए मोस्ट रॉबली मेरे शायद से दस टैग लगे सिर्फ एक एरिया को लाइक फ्रंट वाले को भरने के लिए तो मान के चलो कि अगर ऐसे ऐसे भी हम लोग मान के चलते कि दस दस टैग लगते जबकि इधर को कम लगने चाहिए मेरे हिसाब से तो हम लोगों को अभी भी थर्ट स्टैक्स और चाहिए होंगे ठीक है खाली ऑरेंज ऑरेंज के ही थर्टी स्टैक्स और लगने वाले हैं हम लोगों को तो पता नहीं आगे तो कितना ही लगने वाला है बट यस हम लोगों को ब्लैक कॉन्क्रीट भी बहुत सारा चाहिए हमारा ब्लैक कॉन्क्रीट खत्म हो चुका है विद ये जैसे मेरे को ओके okay, एक्चुअली ये भी पुरानी नहीं। अरे नहीं, एक मिनट एक्स्ट्रा और बचा है बढ़िया वाह ठीक है तो देखो ये अपना फ्रंट अभी के लिए बन चुका है रुको जरा रुकुजरा दिखाता हूं तो तुम लोगों को ये हमारा फ्रंट ओ इधर पे मैंने चढ़ने के लिए पानी डाल दिया मेरे को लगा ये अजीब सा क्यों दिख रहा है ठीक है तो ये हमारा फ्रंट बन चुका देखो अभी से अच्छा लग रहा है ठीक है ना मैं तुम लोग कुछ भी बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है ठीक है अभी हम लोग इसमें पूरा बनाएंगे चेस्ट का ऐसे ऐसे बीच से टूटता है फिर वो चेस्ट का ऐसे लगा होता है तो वो बहुत ज्यादा कूल लगता है ना दिखने का तो वो भी हम लोग पूरा बनाएंगे बट सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालता हूं और उसके बाद चारों तरफ से इसके ठीक है अभी अपने पास बहुत सारा कॉन्क्रीट बचा हुआ है लाइक ऑरेंज तो एटलीस्ट बहुत सारा कॉन्क्रीट अपने पास है ही तो उसका

तो मैं सोच रहा हूं कि पहले एक काम करते हैं हम लोग ब्लैक कॉन्क्रीट भी जमा कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको पूरा का पूरा चार तरफ से ऐसे ढक के तुम लोगों से मिलता हूं दो मिनट के अंदर प्रॉमिस दो मिनट लेंगे बस आ रहा हूँ गाइज यार फाइनली हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा बना दिया चारों तरफ से एकदम जैसा हमको चाहिए था वैसे का वैसा बन गया रुको जरा तुम लोगों को दिखाता दो साइड से तो ये देख रहे हो ये चारों तरफ से एकदम चेस जैसा बन चुका है अब हम लोगों को क्या करना है नीचे एक लाइक ब्लैक कॉन्क्रीट की वो लगानी लेयर लगानी वो तो बहुत ईजी होगा पता है क्यों मैं दिखाता हूँ क्यों तुम लोग सोचो वो नीचे कैसे ईजी हो जाएगा ब्रो वो तो और जो नहीं होगी तुम समझ रहे हो हम लोगों को लेजिट सिर्फ ऐसे करके देख रहे हो कंक्रीट मार रहा है वो खुद ही लाइक वो बन जाएगा कंक्रीट बन जाएगा समझ रहे हो ना तुम लोग ब्लैक कंक्रीट बन जाएगा प्रॉपर हम लोगों को बस ऐसे करके एक लेयर बनानी है उसके बाद हम इसके ऊपर की कॉबल स्टोन की लेयर तोड़ देंगे और उसके बाद ये खुद ही ऐसा अरे ये यहाँ कैसे पहुँच गया है? इसको ले लो और ये वाला भी ये थोड़े इधर उधर गिर गए होंगे मेरे से ठीक है तो हम लोग को बेसिकली बस इसको ऐसे करके खींचना है उसके बाद कॉन्क्रीट तोड़ के बट अब एक मेन चीज आती है।, है हम लोगों को इसके नीचे पूरी की पूरी फ्लोरिंग करनी है समझ रहे हो इसके नीचे फ्लोरिंग करनी है और इसकी छत भी बनानी है जो कि दोबारा से भाई कॉन्क्रीट से ही बनने वाली बट तुम्हें पता है कॉन्क्रीट पाउडर जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है इस चीज़ में ठीक है तो अब दिक्कत ये है कि खाली कॉन्क्रीट पाउडर नहीं हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो दिक्कत देगी लेकिन सबसे पहली चीज हम लोग ये करने वाले हैं रुको जरा इधर भी गो यहाँ चलते हैं फटाफट चलो, चलो 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 रुको 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 रुको, रुको बढ़िया चलो अभी हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये काम कर रहा है अगर ये काम कर रहा है तो, तो बढ़िया है अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत होने वाली है ठीक है चलो रेडी अरे ये क्या कर रहा हूँ चलो देखते हैं वो ये काम कर रहा है वाओ ओके okay, तो मेरे को बस ये करना पड़ेगा आई गेस आई होप ये काम करे प्लीज ये बहुत पुरानी ट्रिक है अगर ये काम करगी तो मजा आ जाएगा लेट्स गो गाइस हम लोगों को खाली यहां पे वेट करना पड़ेगा अब ये हम लोगों को तोड़ के प्रॉपरली ऐसे वो दे देगा लाइक कंक्रीट दे देगा दे दे दे, दे 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 मैंने कायदे से ये चीज पहले कर लेनी थी आराम से डिनर भी कर लेता क्योंकि अभी रात के बारहवीं बज रहे हैं आराम से डिनर भी कर लेता अपना और ये अपने आप तोड़ते रहता कोई बात नहीं थोड़ी बेवकूफी तो थो हो ही गई है मेरी साइड से रुकुर, 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 ये देखो ये देखो ये ये दिक्कत तो, अरे रुक जा भाई ओके ए, है, 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 ओके ये राइट रुक जाओ मेरे को एक बार राइट क्लिक दबा के हटाना पड़ेगा यस ठीक है अरे ये चंक बॉर्डर के दिखा दिए चलो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा मैं जो भूल गया था चीज वो होती है इसमें यस इसमें हम लोगों को ये सारा का सारा डालना पड़ेगा ये हमारे ऊपर थूकते रहेगा और हम लोग उसमें से लगाते रहेंगे ये ऐसे काम करता है मैं तभी सोचू कि ये ऐसे क्यों कर रहा है चलो बढ़िया एक बार देखते हैं नीचे ये हमारे पास ऑरेंज कंक्रीट आ चुका है ये हमारी पूरी की पूरी जमीन बनने वाली है ऑरेंज कंक्रीट बाय द वे तो इसलिए हम लोगों को ऑरेंज कॉन्क्रीट चाहिए और हमारी छत भी ऑरेंज कॉन्क्रीट से बनने वाली है। तो हम लोगों को इसका कम से कम नहीं भी दो मान के चलो कहीं पर भी दस टैक तो कम से कम चाहिए ही होगा राइट नीचे और ऊपर पांच पांच टैक लग जाए किसको पता कितना भी लग सकता है राइट उससे भी ज्यादा लग सकता है मेरे ख्याल से जितना उसका एरिया है ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो फटाफट से खाना वाना खा के जब तक ये कंक्रीट लगता है उसके बाद इस कंक्रीट को छत पे लगा के भी आऊँगा मैं तो मेरे को थोड़ा सा टाइम देना आता हूँ दो मिनट के अंदर दोबारा से <laughs> तो गाइस यार फाइनली मैंने इसको पूरा का पूरा भर तो दिया बट देख रहे हो एक प्रॉब्लम भाई इसके अंदर इतना सारा अंधेरा हो रहा है मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकता हूँ भाई कुछ दिख नहीं रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें पता ना ये कंक्रीट है कंक्रीट से क्या होता है कोई टेक्सचर नहीं होता कुछ नहीं होता तो उतना ही ज्यादा अंधेरा लाइक काला कंक्रीट में तुम्हें पता भी नहीं चला कहाँ खड़े हो तुम लोग समझ लो और रुको जरा एक मिनट मैं अभी पता क्या करने वाला था मैं अपने रास्ता खोदने वाला था और अगर हम लोग ने रास्ता खोदा होता तो तुम समझ रहे ना क्या होता ये वाली पूरी दीवार ऐसे घिसते हुए नीचे को आती तो हम लोग बस यहाँ पर से ऐसे तोड़ेंगे नाइस मेरे को यहाँ पर आके बहुत सारी लाइटें लगानी पड़ेंगी पता है तुम लोगों को अभी और ये मेरे को ये भी करना है कि ये जो नीचे वाली ना इसको भी हम लोग को ब्लैक कॉन्क्रीट से चेंज करना अरे तुम्हें दिख नहीं रहा ना मैं समझा रहा हूं लोगों को कुछ है तुम्हें बदतमीज़ जैसे चलो अभी हम लोग क्या करने का ढेर सारी यहाँ पर आके पहले लाइटर लगानी उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा सोटर सिस्टम लाएंगे सब कुछ करेंगे वो सब तो बात ही अलग है ठीक है मैं सोच रहा हूँ ऐसे करेंगे देखो इसमें बीच से रास्ता निकालेंगे आइटम सोटर इस साइड आइटम सोटर इस साइड बीच से हम लोग जाएंगे दोनों साइड पे ढेर सारे लाइक चेस्ट ही चेस्ट होंगे चारों तरफ एकदम खतरनाक वाला लेकिन हाँ हम लोग ऐसे करके चलते आएंगे बीस और दोनों साइड पर चेस्टी चेस्ट होंगे ये मैं बंद कर दूंगा ये बेसिकली उस साइड से लाइक कोने से खुलेगा उस साइड से ठीक है मेन से नहीं क्योंकि ना फिर क्या होगा चेस्ट गंदा दिखेगा ना आगे से देखो अगर ऐसे खुला हुआ होगा तो चेस्ट बड़ा अजीब सा दिखेगा तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग साइड साइड से करेंगे अभी के लिए हमारा पूरा का पूरा हो चुका है और सच्ची बताओ ना अपना सारा का सारा कॉन्क्रीट यूज़ हो चुका है जो जितना भी ऑरेंज कॉन्क्रीट था वो और मेरे को और बनाना पड़ा ब्लैक वाला कॉन्क्रीट खत्म हुआ मुझे और बनाना पड़ा और उसके बाद फाइनली ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है जितना मैंने सोचा था उतना ज़्यादा सामान नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट लाइक मोस्ट रॉबली एक एक साइड पे बारह शायद से बारह या ऐसे कुछ टैग लगे होंगे ज़्यादा कुछ लगा नहीं जो कि तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा चार चार आठ मतलब समझ रहे हो ना बहुत कम सामान में हो गया ये मेरे को ये वाला सामान तो ज़्यादा छेड़ना भी नहीं पड़ा दो तीन बार आऊंगा मैं, मैं मैक्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोगों को ढेर सारी पहले लाइट्स लगानी है ताकि जिस समय मैं चेस्ट बनाने जाऊँ ना उस टाइम पर मेरे को परेशानी ना आए और रुको सबसे पहले तो लाइट से पहले हम लोगों को एक काम करना है जो कि तुम लोग शायद से समझ गए होगे देखते ही क्योंकि मैंने अपने हाथ में वाटर बकेट रख ली है दस तो हम लोगों का क्या करना है रुको एक वाटर बकेट ले जाते हैं यहाँ से बाकी हम लोग उससे इन्फिनाइट वाटर बना के फटाफट फड़ से पानी मारते रहेंगे चारों तरफ देखो मेरे पास जो आइडिया है वाटर का क्योंकि अगर हम लोग पानी मारते रहें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मेरे पास क्या आइडिया देखो हम लोग दो वाटर बकेट ले जाते हैं और जैसा हम लोग ज्यादातर लावा के साथ करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे करने वाले रुके मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अरे बस हो गया ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे देखो हम लोग ये करेंगे हम लोग और इस एच से शुरू करते हैं ठीक है थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा बट काम करेगा ना बस वो चाहिए मेन ठीक है यहाँ पर एक पानी डाला तो एक पानी यहाँ पर डाल देंगे ठीक है इन दोनों से ओके ठीक है ये ऐसे काम नहीं करता है <laughs> बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है एक्चुअली एक ही वाटर बॉटल से हो जाएगा फिर अपना ठीक है हम लोग कुछ नहीं करना है एक छोड़ के एक में पानी डालते रहना है बस एक छोड़ के एक में जैसे ये हो गया एक छोड़ के एक में पानी डालना है वो पानी पूरा नीचे तक का दौड़ते हुए जाएगा और पूरी एरिया को वो कॉन्क्रीट बना देगा रादर देन वो वाला कॉन्क्रीट लाइक समझ दो ना वो कंक्रीट पाउडर से कंक्रीट बना देगा बेसिकली बस ऐसे छोड़ देना है अब ये पूरा का पूरा ऐसे दौड़ते हुए जाएगा पानी बस थोड़ा सा रुकना है ताकि वो अपना ऐसे फैल जाए बस ये देखो हम लोगों को बेसिकली ये करना है अब ठीक है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं आता तो हूँ फटाफट से इसको पूरा का पूरा टाइम लग जाएगा इसमें बट ये देखो अभी से ये देखो ये, ये जल्दीबाजी होती है ना मेरी मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में कर दिया वरना देखो इस साइड का पूरा का पूरा प्रॉपरली कंक्रीट ऐसे मतलब पाउडर से कंक्रीट बन चुका है देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है तो मेरे को दो मिनट देना इसको पूरा का पूरा ऐसी पानी मार मार के मैं बना के लेके आता हूँ और अभी हम लोगों को पता है मेरे को कुंडी बनानी है चेस्ट का बीच का बनाना है बहुत सारी चीज़ें और छूट रही हैं बट एटलीस्ट पहले इसको कॉन्क्रीट बना दे ताकि हम लोग इसको तोड़े तो बाकी सारा सामान ना जाए ना अपना और ये पानी भी निकालता हो चल रही यहीं रह गया ये वाला पानी भी तो हम लोग को चाहिए होगा आगे जाके तो गाइज ये यार फाइनली काम हो चुका है पूरा का पूरा पानी वानी वाला काम हो चुका है बट अभी भी थोड़ा सा थोड़ा सा और काम बचता है ठीक है यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को करनी है वो है भाई इसमें सबसे पहले लाइट लगानी है ठीक है मैं अंदर हल्का सा बस मौसम चेक करके आऊँ और तुम लोगों को दिखा दिया ना मौसम रुको ये चल रहा है ना मेरा ये फार्म चल रहा है ना चल रहा है रुको यहाँ पे है नहीं है अबे यार ये बंदा फिर भाग गया भाई रुको जरा रहा हम लोगों को इधर भी अभी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वो बंदा फिर से भाग चुका है भाई <laughs> कैसे गायब हो जाता है यहाँ से जो भी अंदर से पता नहीं भाई जो भी हो रहा हो मेरे तो सर में दर्द हो गई है बाई गॉड अभी हम लोग को रुको जा थोड़ा सा अपने इसमें भी जाना पड़ेगा वी गो हम लोग को अपने द न्यू वुड फार्म में भी जाना पड़ेगा यहाँ पर से थोड़ा सामान चाहिए था मुझे वी गो हम लोगों को इसको बस ये करना है और इससे हम लोगों को जितने ज्यादा ये बन सकते यप ये बना के रुको मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल यहीं पे छोड़ रखा है क्या नहीं ना ये इसमें क्या है ओ इसमें भी थोड़ा बहुत ओ मेरी बो यहाँ है मैं तब से सोच रहा हूँ मेरी बो अरे मेरा शवल यार मैं खाली शवल बनाते फिरता हूँ थोड़ा सा मेरा शवल उवल का ये हो गया सैड लाइफ बट ठीक है कोई बात नहीं चलो अभी हम लोगों को क्या करना है रुको जरा मेरे को बस देखने तो देखने देखने दो शवल डोडम हम लोगों को क्या करना था यप हम लोगों को बस इसका पहले ये चूरन निकाल देना है ठीक है आयरन नगेट आयरन नगेट निकाल देना है चूरन बोल रहे हो उसको ठीक है तो आयरन का चूरन आप लोगों को यहाँ पे बीच में रखना है और उसके बाद इससे बना लेनी है आपने ढेर सारी ढेर ढेर सारी लेंथने लेंथने एक बार बन गई हैं तो लेंथन को आपको ले के जाना है पहले तो छत पे लगाता हूँ ठीक है छत पे क्रीपर घूम रहा था लेजेट मैंने उसको मारा है थोड़ी देर पहले ही भाई पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ अभी ठीक है दो दो ये सजाना नहीं अरे तीन तीन के गैप में छोड़ो ठीक है देर भी गड्ड तीन तीन के गैप में ये दो के गैप में क्या <laughs> दो मिनट देना गाइस लैंटर्न भी लगा के आता हूँ अब दो मिनट दो मिनट दो मिनट भाई दो मिनट करके एक घंटे की वीडियो बना देता हूँ मैं सोच रहा हूँ तुम लोग सोचो कितने दो मिनट के बीच में मैं कितना काम करता हूँ तो मैं तुम लोगों को जाके फिर एक घंटे की वीडियो देता हूँ तुम लोग यार भाई लिटरली वीडियो देख लेते हो तो यार एक लाइक भी मार दिया करो एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार थोड़ा सा ऐसे मेहनत सफल सी लगती है मतलब समझ यहां पे के मैं एक चेस बना रहा हूँ तो कर हमारा भी तो दिन बन जाए यार हम भी तो थोड़ा हाँ लोगो मजा भी आया देखो छत तो मैंने पूरी की पूरी लैंटन से भर दी और मेरे सारी लैंटन मैंने एक स्टैक ही लगा दिया वहां पे पूरा का पूरा बट उससे कोई मतलब नहीं है बेसिकली हम लोगों को मत सुना तुम लोगों ने हैबुले ने क्या बोला ओ भाई साहब अब हमें रुक जाओ यहाँ से हमें एक गेट निकालना है राइट तो अब नापने के लिए हम लोगों को पता है लिटरली ओक प्लैंक इन सबकी जरूरत पड़ने लगी क्योंकि कॉन्क्रीट जिसने गिन दिया ना मान जाऊंगा भाई उसको मैं लिटरली भाई आधा एक घंटा बर्बाद मानू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस थर्टी है ओके हम लोगों को थर्टी का सेंटर चाहिए तो हम लोगों को पंद्रह और सोलह उठाना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो हम लोगों को बेसिकली एक छेद यहाँ पर लगाना है और एक इस वाले फिफ्टीन पे लगाना है और अंदर देख रहे हो तुम लोग जा रहा हूँ यार तुम्हारा ही घर समझो तुम ही रह लो यहाँ पर मुझे कुछ देखो तो पीछे मारूंगा ना इतना पीछे क्या रहा है चले हाँ थोड़ा डर के भी रहो ना यार ऐसे थोड़ना कि बोल दिया कि तुम्हारा घर है तो तुम तो भाई बिल्कुल ही यार एहसान फरामोश हो गए मारने को ही दौड़ आ गए भाई तुम्हारा घर है तुम्हें दे दिया है तो ऐश करो ना जियो अपनी जिंदगी वहाँ पे खुश रहो नहीं मा ये देखो देखा तुमने उस उसक्रीपे ये देखो भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये नहीं बनने देगा भाई ये चेस्ट ये चेस्ट गारंटीड जैसे ये गंदे क्रीपर होते हैं ना ये नॉर्मली चेस्ट उड़ाते ना ये वैसी क्रीपर ये चाह रहा है कि ये वाला बड़ा चेस्ट भी मैं ही तू बेटे, बचेगा नहीं तू तू बचेगा थोड़ी ना करके क्या मैंने करके क्या चलो मर अब सही है अब सही है भाई तो देखो मैं यहाँ पर आ चुका सारा का सारा सामान लेके बट अभी मैं तुम लोग को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्त चीज़ बताने वाला हूँ हम लोग क्या करेंगे ना देखो हम लोग जैसे कि मैंने तुम लोग को बता रखा है कि पहली बात तो ये कि हम लोग ये चार वाला एरिया छोड़ रहे हैं ठीक है ये चार वाला एरिया हम लोग छोड़ रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा का पूरा ऐसे चलने फिरने का बनाएंगे तो देखो मेरे पास जो आइडिया मेरे को शायद उसके लिए और थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स और जमा करने पड़ेंगे बट ठीक है कोई बात नहीं एक्चुअली एक मिनट रुको स्टोन ब्रिक्स क्यों जमा करने पड़ेंगे अरे यार भाई मैं तुम लोग की इतनी चैट वैट पढ़ता हूं ना भाई मुझे पता रहता है कि मेरे को क्या करना चाहिए बताए वरना मैं स्ट्रीम ड्रीम में गलतियां करता हूं तुम लोग बताते रहते हो जैसे तुम्हें पता ही होगा मैं स्ट्रीम करता तो उसमें लाइक रहता है ना तुम लोग ऐसे बोल देते कि भाई स्लैब बना लो थोड़ी जगह बच जाएगी सामान बचा देता तुम लोग मेरा तो यस देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर हम लोग स्टेयर लगा देंगे या फिर ऐसे कर लेते हैं देखो अब हम लोग क्या करना है ये हमारी बेसिकली जगह होगी जहां पर हम लोग चल के जाएंगे राइट तो ये हम लोग चार इसको ऐसे कर देते हैं रुको बस 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 हो गया हो गया हो गया आज आज अरे अरे भाई बर्बादी मत कर यार ठीक है बस ये हम लोग ऐसे करके इसको पहले चार का पूरा का पूरा भड़ताओं में मेरे को दो मिनट दो बस बस ये देखो ये हो गया अपना वॉकिंग पाथ होगा ठीक है यहां पर हम लोग पूरा का पूरा चलेंगे सब कुछ है लाइक हम लोग यहां पर अपना पूरा का पूरा चलेंगे यहां पर अपना पूरा का पूरा, पूरा लाइक सामान होगा हम लोग को आइटम ऑर्डर के लिए भी थोड़ी बहुत जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आइटम ऑर्डर ना बहुत जगह गिर है कम से कम नहीं भी छह ब्लॉक हम लोग को आइटम ऑर्डर के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तुम समझ रहे हो अब मैंने इतना ज्यादा दूर दूर की बना रखा था तो ये हो गया बेसिकली हमारा आइटम ऑर्डर तक का बाकी हम लोग दो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और यहां पर तो अपने पूरे पूरे चेस्ट आएंगे जो हमारे सामने

तो मान लो कि अगर छह ब्लॉक में हम लोग अभी के लिए मैं ऐसे ही कर देखू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो यहां तक का मैं सात ब्लॉक यहां पर से ऐसे एंट्री से छोड़ रहा हूं इसमें हम लोगों की वो पूरी लिफ्ट लग जाएगी जो मैंने तुम लोगों को बताई यहां से हमारे चेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले हम लोगों को ये कर लेते हैं थोड़ा सा ना यहाँ पे पहले जमीन अरे यार ये हटाने पड़ेंगे मेरे को दोबारा से अब ठीक है तो मेरे को पहले सबसे पहले यहाँ पे जमीन पे ये सारे के सारे क्या कहते हैं लाइक प्लैंक्स भरने पड़ेंगे ताकि यहां पर मैं सारा के सारा वो डाल सकू ना इसके ऊपर बेसिकली हमारे सारे चेस्ट वेस्ट आएंगे ठीक है यहां पर हमारे चेस्ट होंगे इस साइड भी चेस्ट होंगे दोनों साइड पे जा... तुम देखो बस रेडी रहो भाई बहुत ज्यादा मस्त बनाने वाला थे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर ठीक है इसको मैं इतना इतना एरिया को मैं सील कर दूंगा क्योंकि फिर वो इवन अच्छा नहीं लगेगा मतलब और अच्छा नहीं लगेगा ना गंदा सा लगता है थोड़ा सा तो वो हम लोग कर देंगे बाकी इस साइड भी हम लोगों को सेम चीज करनी है तो यार फाइनली मैंने ये पूरा का पूरा लेआउट जो था वो कंप्लीट कर दिया है ठीक है ये अभी के लिए ऐसा लग रहा है वो मैं तुम लोग को समझाता हूं अभी ऐसा क्यों लग रहा है और इसमें क्या क्या होने वाला है वो भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं बोलेंगे बट काफी कूल जैसा है ठीक है मेरे को थोड़ा सा और जाके लाइक थोड़ा एफ होना पड़ा बट फिर मैंने कहा बार बार क्या दिखाऊं एक ही चीज तो देखो हम लोग क्या करने वाले राइट ये पांच है ना वन ठीक है हम लोग रुको दे रहा मैं बताता हूं तुम लोगों को हम लोग इसको कैसे करने वाले देर भी गो ठीक है अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है बस इसको ऐसे डबल कर देना है ठीक है तो यार देखो मैंने इसका डिजाइन पूरा का पूरा फाइनल कर दिया है ठीक है इसको बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगे बट ये काफी ज्यादा सही लग रहा है अभी अगर तुम देखोगे ना तो तुम कहोगे बात तो है ठीक है।, है तो ऐसे करके तुमने बोलोगे बट देखो अभी मैंने एक चीज सोची ठीक है ये इतना हो गया है मेरे को इससे ज्यादा चेस की आई डोंट थिंक नीड भी बढ़ने वाली है बट अब अगर तुम एक चीज देखोगे ना ध्यान से कि इसके ऊपर ना अभी एक और लेयर बना सकता हूं मैं समझ रहे तुम लोग लेकिन इतने ज्यादा की अभी के लिए जरूरत नहीं बाद में अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि यो 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 हम लोगों को मे भी एक और लेयर की जरूरत है तो मैं इसको खोलूंगा बट अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूं ना ये ताकि इतना ज्यादा गंदा ना लगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो फिर हम लोग बहुत सारा कॉक्रीट लेके आए और उसके बाद इस कॉन्क्रीट को पूरा भर दे ताकि आसमान वैसा दिखे बट मैंने क्या सोचा है ये देखो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास जब थोड़ा बहुत चिजल स्टोन और बच गया ना मैं इसको चिजल स्टोन से पूरा का पूरा बंद करने वाला हूँ देखो आई होप अच्छा लगे नीचे से देखने में भाई क्योंकि एंड में अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर बहुत ज्यादा ब्यूटी जाएगी लाइक मेरे हिसाब से अच्छा लगना चाहिए एक बार देखते हैं बस हो गया ये कंप्लीट हो गया प्लीज और मत लेके आने बोलना चीजल स्टोन यार खत्म ही है वैसे मेरे पास और होगा नहीं मे भी वहां पर रुको बस हो गया देर वी गो ये हो गया इसको यहाँ पे लगा देते हैं और अब अगर हम नीचे आए तो ये देखो ये तो अभी पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा तुम लोगों को बताया ना मैंने यहाँ पे क्या बनने वाला है स्पेशल ठीक है तो मान के चलो कि ये देख रहे हो तुम यहाँ पे अंदर आओगे तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कितना बड़ा ये पूरा का पूरा एरिया बंद होगा यहाँ पीछे पूरा का पूरा आइटम ऑर्डर लगने वाला है समझ रहे हो तो ये पूरा का पूरा एरिया सब कुछ बंद होने वाला है तो ये देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है इतना ही है ये चेस्ट बस इतना ही है इसके अंदर ये होगा यहाँ पर हम लोग कुछ पेंटिंग वेंटिंग लगा देंगे हो सकता है कि मेरी पेंटिंग लगा लगाए ऐसे करके घोड़े के ऊपर ऐसे बैठा हुआ समझ रहे हो तुम छोड़ो वाली पेंटिंग नहीं लगेगी ठीक है तुम ज़्यादा तेज मत बनो अपने आपको ठीक है तो हम लोग ऐसे करके करने वाले हैं अभी के लिए मेरे ख्याल से ये परफेक्ट लग रहा है डिज़ाइन वाइज तो इसमें कोई कमी नहीं है थोड़ा बहुत मैं मे बी यहाँ पे सेंटर के दो वाले में मे बी मैं इसको डीप स्लेट लगा दूँ ताकि ये थोड़ा अलग लगे बाकी से क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि एक ही चल रहे हैं ये थोड़ा सा रास्ता में मे बी डीप स्लेट से कर सकता हूँ या फिर इसके ऊपर रेड कारपेट बिछा दूंगा ताकि रेड कारपेट पर चलते हुए तुम्हारा भाई एकदम ीमो शान शहनशाह टाइप का लगे ठीक है बनाना स्टार्ट करना है बस मैं तुम लोगों को एक बार ये दिखाना चाहता था कि अभी के लिए ऐसा लग रहा है लेट सी तो का पूरा काम कर दिया अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूं मैंने किया यहाँ पर यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखो मैंने नीचे पूरा का पूरा कॉबल लगा दिया और मेरे को थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया बट मैंने सारा का सारा सामान बना के लिया भाई मेरे को इतने सारे हॉपर्स बनाने पड़े जिसके लिए दोबारा से ट्री फार्म में बैठना पड़ा बट ठीक है कोई बात नहीं अपने रेड आता है ऐसी बन गई कि बैठे बैठे वहां पे स्टिक्स मिल जाती है और उसके बाद मेरे पास ढेर सारा ब्लॉक ऑफ रेड तो पड़ा हुआ था मैंने ऊपर से एक स्टैक और अपने साथ ले क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा रेड स्टोन और लगाना पड़ेगा ठीक है।, है ना वो तो अच्छा हुआ कि भाई हम लोगों ने हाँ इतना सारा जब टी एन टी बजाए थे ना अपने उसमें लाइक क्या कहते हैं तो उसे सिटी सिटी में में जब इतने सारे टी बजाए तो वहां से मेरे को काफ़ी सारे और भी मिनरल्स मिले थे मेरे पास काफ़ी सारा अभी क्या कहते हैं तो वही पड़ा हुआ लैपिस ये सब भी पड़ा हुआ है तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखो हमने पास बहुत सारा रेड स्टोन तो पड़ा हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सारे के सारे चेस्टों में जितने भी ये चेस्ट दिख रहे हैं ना देखो मैं तुम लोग को दिखा देता है एक बारी हम लोग को ये सारे के सारे चेस्टों में पहले हॉपर्स डाल ले और रुको जरा देखो ये हो गए हमारे हॉपरेस बस हॉप एक बार हो जाए ये लो ठीक है मैं एक बना के दिखाता हूँ बाकी मैं फटाफट से बनाऊँ क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वैसे ही ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा लंबी खींच दी है <laughs> मेरे को यार मज़े वाले काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और फिर वो ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं देखो क्या करना है इस हॉपर से दो गैप छोड़ना है एक दो और तीसरे पे बिल्ड करना है ठीक है इस तीसरे पर हम लोगों को इसको पूरा पाँच खींचना है लास्ट हॉपर तक का ये लास्ट हॉपर तक का इसको खींच दिया अब हम लोगों को निकालना है अपने रेड के रिपीटर्स रेड के रिपीटर्स को ऐसे लगाना है कोई टिक रेट कोई स्पीड कुछ नहीं देनी है मतलब समझ लो कोई टिकरेट चेंज नहीं करना है। जैसा है वैसी रहने देंगे इसको एक तरह से वी बना देना हमने वी बोलो यू बोलो जो भी बोलोगे ऐसे कर देना है ठीक है ये हम लोग ओके ये मैंने पानी अभी डाल दिया इसके बाद एक बार भी पानी का यूज नहीं करना है वरना <laughs> मैं रो दूंगा मजाक भी नहीं कर रहा हूं भाई इतना ज्यादा वो हो जाता मजा आ है मजा जाते हैं और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को रेड स्टोन लेना है थोड़ा सा मतलब रेड स्टोन के ये लेने टॉर्चेस और इसके आगे पूरे के पूरे टॉर्चेस लगा देने अब हम लोगों को यहां से वन टू थ्री ऐसे करके इसको पूरा का पूरा खींचना बेसिकली एक बेसिक आइटम सॉर्टर है जैसे एक आइटम सॉर्टर बनता है तो मैं बेसिकली एक आइटम सॉर्टर ही बना रहा हूं समझ लो समझ ही रहोगे चलो ये हो गया अब हम लोगों को क्या करना है यहां पर कंपेरिटर लगाने रुको ये अभी के लिए मैं हटाया तो ट्राइडेंट वैसे में पानी का यूज नहीं करने वाला बाहर को जाते हुए कंपेरिटर समझ लो रेडस्टोन सॉरी अपने हॉपर से बाहर को जाते हुए कंपेरिटर और अब

ओके okay. अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखो आ, थोड़ा बहुत अपने हाथ पे रख लेते हैं इसमें तो हम लोगों को क्या करना है देखो मैंने जो सोचा हुआ था मैं इतने सारे इसलिए लेके आया था क्योंकि अगर मैं बाई चांस रेड स्टोन लेके आता ना उसमें बहुत ज्यादा जगह घेरते तो इसलिए मैं उसको स्टोन का एक ब्लॉक बना के लिया ठीक है थीके? तो हम लोग को बेसिकली बस ऐसे करना है ये हमारा एक कंप्लीट हो गया ठीक है ये एक सॉर्टर कंप्लीट हो गया है ऐसी करके मेरे को पूरा इसमें भी और ऊपर वाले में भी सेम सॉर्टर्स बनाने तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो थोड़ा सा <laughs> तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं फटाफट -फड़ से इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके मिलता हूं तुम लोगों से दो मिनट के अंदर बोल दिया मैंने दो मिनट बस दो मिनट लगेंगे मेरे को मेरे को यार कुछ भी काम हो मेरे को मैं कुछ भी कर सकता हूं बस मुझे दो ही मिनट चाहिए बस दो मिनट हो गया भाई आ तो दो मिनट में आता हूँ गाइज यार एक और चीज देखो मेरे को पता है तुम लोगों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऊपर वाला कैसे बनाने क्योंकि जैसा ये है वैसा तो ऊपर वाला बन ही नहीं सकता ना एक तरह से अगर हम लोग बनाने गए तो तो वो मैं तुम लोगों को बताने के लिए आ रखा हूं मैं सोच रहा था पहले फटाफट -फड़ से बना था फिर मैंने सोचा अगर तुम लोगों को बाय चांस नहीं समझ में आया फिर फिर मैं क्या करूंगा तो सुनो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं

ठीक है ये दो ये हॉपर्स तो नॉर्मली जैसे चेस्ट में थे वैसे ही लगे हैं बट ऊपर वाले हॉपर्स उसके अंदर जाते हो और फिर इसके अंदर जाते हो अब यहां से जैसा हमने नीचे बनाया था हम लोग सेम टू तो सेम वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं रुको देखो ये हो गया अब ये कैसा था ये तीन खींचा हुआ था राइट तो इसको हम लोग ऐसे तीन खींच देंगे देर भी गो। ये कैसे था इसमें कंपेरेटर था एक दो तीन चार पांच कंपेरेटर इसके पीछे से पूरी पूरी रेड स्टोन थी ठीक है और उसके बाद देर भी गो एक बार नीचे कूद जाते हैं फिर एक छोड़ के यहाँ पर ऐसे तोड़ देंगे इसको ठीक है मतलब बेसिकली जैसा हमने नीचे बनाया था सेम टू सेम वैसे ही बनेगा ठीक है ये और फिर एक ये था और बस अभी इस वाले में रुको जरा मैं ओके ऑलमोस्ट कर ठीक है ना देखो भाई तुम्हारा भाई पानी भी गिरा देता कोई डरता तो नो मैं किससे रुको ये गलत बन गया वैसे भाई थे भी थोड़ा सा तो इस वी गो ठीक है मैंने पूरा का पूरा कर दिया थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था टू बी ऑनेस्ट मैंने भी गलत बना दिया था स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताते हुए बट अभी के लिए ये कंप्लीट है ठीक है देखो ऐसी करके मैं बनाना बनाना ये थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है है टफ बट जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद सोचो तुम लोग तुम लोगों के पास दो लेयर होंगी भाई जो ऑटोमेटिक शॉर्टिंग कर रही हूँ तुम्हारे सारे सामान की तो देखो ये अभी के लिए एक हो गया अरे यार मैं देखा काम तो मेरे बढ़िया ही रहते हैं मैं कुछ भी काम करूं मैं करूंगा तो बढ़िया ही अब तुम लोग सोच रहे हो क्या किया भैया क्या किया भैया तो यार हॉपर डालना भूल गया इनके अंदर ठीक है तो ये देखो ये कंप्लीट हो गया ऐसी था वैसे का हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया अब हम लोगों को ऐसी करके इस साइड भी और जो उस साइड है समझ रहे हो इसके उस साइड है इस साइड भी उस साइड भी तो इसके जो उस साइड है वो भी हम लोगों को सेम टू सेम बनाना है तो चलो गाइस थोड़ा सा मुझको टाइम दो आ रहा थोड़ा सा टाइम गाइज यार फाइनली मैंने पूरा का पूरा आइटम जितना है ठीक है तो ये कंप्लीटेड है एकदम डन है जो भी हो अब काम नहीं करा ना भगवान के साथ मैं रो दूंगा मेरी आंखों में खून निकलने को तैयार हो गया भाई मैं सही बता रहा हूं तुम लोगों को रे अभी देखो हम लोग क्या करने वाले मैं तुम लोगों को बोलता ना यहाँ पर एक चेस्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग सारा आइटम शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट सटा शॉर्ट करके वो सारा का सारा यहां पर आएगा तो देखो हम लोगों को क्या करना है बेसिकली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले ना तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले चेस्ट लगाऊंगा ठीक है रुको एक डबल चेस्ट लगाएंगे। ये वो जिसके तो हम लोग क्या करना देखो, one, two, three, four, अंदर को आके फाइव ठीक है अब ये पूरा का पूरा भरते हुए ले जाना है हम लोगों को रुको मेरे पास कॉबल स्टोन पड़ा हुआ है कॉबल स्टोन लगाएंगे देर वी गो इसको हम लोगों को पूरा का पूरा यहां से लेके उस साइड तक समझ रहे हो मतलब उस साइड कौन सी साइड जो उल्टी साइड है ना इससे भी उल्टी साइड अभी रुको तुम लोगों को दिखाई देता है यार खाली तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ ना इसलिए थोड़ा सा और बस अब इसके बीच से हम लोग दोबारा से ऐसे घुस जाएंगे जो कि हम नहीं घुस पाएंगे और हम नीचे गिर जाएंगे फाइनली मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है देखो इसको हम लोग पूरा घुमा के ना वापस लेके यहाँ तक भी गए ठीक है जो मैंने यहाँ से निकाला था ना ये बेसिकली ये हमारा जितना भी कूड़ा होगा यहाँ जाएगा बट अब हमें ऐसा बनाना है कि आइटम किसी चीज के अंदर जाए राइट तो हम लोग को देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले अपना वो चेस्ट बनाना पड़ेगा जो चेस्ट हम लोगों का सारा का सारा हाँ हॉपर हा, लगा लो हाँ ये कर लो पहले चलो ठीक है हम लोगों का एक्चुअली जी जी रे एंड में जाके हॉपर खत्म हो गए भाई एंड बिल्कुल एकदम खत्म होते होते हाँ ही खत्म हो गया चलो अभी हम लोग क्या कर ये मैं मैंने ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ठीक है लाइक ये दीवार में चेंज करूंगा बट मैं खाली अपने लिए वो ले रहा हूँ कि मेजरमेंट ले रहा हूँ बेसिकली कि क्या होगा कैसे होगा ठीक है तो ये दीवार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स की दीवार है इसको यार यहाँ से बंद करना पड़ेगा मेरे को रुको जरा अ... चलो ठीक है अभी के लिए यहाँ पर भी कॉबल स्टोन भी रख देता हूँ मैं ठीक है चलो अभी हम लोगों को क्या करना है देखो यहाँ पर यही ऐसे करके वो डाल दूंगा मैं सेम टू सेम ये चीजल स्टोन लेके आके बट हम लोगों को क्या करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बच रहे ना तो हम लोगों को सेंटर के दो तोड़ के यहाँ पर हम लोग चेस्ट रख देंगे अपना ठीक है तो ये होगा हमारा चेस्ट जिसके अंदर हम कुछ भी सामान डाले तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा उसको ठीक है यहाँ पर स्टेयर लगा देंगे बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है बट सबसे मेन चीज़ क्या है जो कि हम लोगों को रुको जरा ये करनी पड़ेगी ना हम लोगों को बेसिकली ये करना है कि रुको ये लो ये लो ठीक है और हम लोगों को बेसिकली ये करना है कि और ढेर सारे हॉपर बना के लेकर कर यार मैंने सारा का सारा सामान तो ले लिया बट एक चीज़ और थी जो कि मैं चाह रहा था कि तुम लोगों के सामने ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना रुको सिक्सटी 64 सिक्सटी मे बी हम लोगों को चलो ठीक है नहीं यार स्टोर नहीं फिर ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर सकते ना मे बी आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ गई तो तो देखो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम लोग रख देंगे फिल्ट फिल्टरवा अब क्या करूँ मेरे को इससे ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा मेरा वो जैक का एंडरवा एंडरवा सुन सुन के फिल्टरवा बोल रहा हूँ इसको मैं हे राम तो हम लोग को इसको फिल्टरवा करना है और कुछ नहीं देखो ये हो गया फिल्टरवा और इसको भी हम लोग फिल्टरवा लिख देंगे काम कुछ है नहीं उल्टे उल्टे काम करो और कुछ नहीं भाई बस उल्टे उल्टे काम रुको जरा फिल्टरवा इसको भी लिख देंगे मैंने इतने सारे क्यों बनाए वो मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में बता दूंगा तुम्हें अभी बताल जाएगा बिल्कुल अभी के अभी पता चल जाएगा रुको ठीक है ये हो गया ठीक है अब देखो अभी अपने पास इतना सारा फिल्टर हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है रुको जरा मेरे को बस अरे यार मैं लैंप लेके रहा यारैंप में <laughs> चलो ये हो गया अपना फिल्टर विल्टर तैयार देर वी गो हम लोग आ चुके हैं मेरे पास ये पड़े ना हाँ ये हॉपर भी है अपने पास हॉपर तोड़ दीस बस बोलिए अभी ये क्या तोड़ दी अभी यार ये एक तो पता भी नहीं चलता रे सही में ये हो गया नहीं, इसमें डालना है और इसको भी इसमें लगा देना है ठीक है तो ये देखो अभी अपने हॉपर सारे के सारे इस साइड को जा रहे राइट अरे ये क्या चिड़िया की आवाज आ रही है क्या नहीं ठीक है <laughs> तो हम लोगों को क्या करना है देखो ये जो है ना ये बिल्कुल ये जहां पर खत्म हो रहा है रुको ये अरे दो सेकंड अरे चिड़िया ही है ये चिड़िया कहा है गेम में ये क्या हो रहा है रुको ये आई थिंक ये है राइट जब ये बिल्कुल ये बिल्कुल यही वाला ब्लॉक है ठीक है तो अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ यही वाला ब्लॉक हम लोगों ने क्यों तोड़ा है और इससे हम लोग क्या करने वाले हैं ठीक है देखो अब हम को क्या चाहिए पहले तो यहां पर से पूरा का पूरा लाते हुए बनाना है हम लोगों को आई थिंक हॉपर फिर से कम पड़ने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल सही हॉपर की कमी ठीक है हम लोग क्या करना है हम लोग को यहाँ पे ऊपर को मुंह करके ड्रॉपर लगा देना अपना ठीक है तो ये ड्रॉपर हो गया ये ड्रॉपर ऊपर को देख रहा है मस्त करके और जरा इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे हम लोग ठीक है एरिया को क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों को थोड़ा सा और हल्का सा बिल्ड करना है हल्का सा ज़्यादा नहीं ठीक है हम लोगों के पास या मेरे पास कम्पेयर भाई हेलो मैं तो काम करता हूँ तो भाई ऐसे करता हूँ कि जैसे कुछ काम ही नहीं है मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई सही में मेरा मेरे पास ऑब्जर्वर भी नहीं है काम करने आया आधे आधे काम चलो ठीक है देखते हैं जितने भी अपने पास एटलीस्ट uh, ये हो जाए ठीक है तो ये जाएगा इसके अंदर प्लीज हॉपर प्लीज हो जाए पूरे हो जाए प्लीज प्लीज एक बच जाएगा मैंने भगवान कसम कह रहा हूँ मैंने पूरा बिल्ड बना दिया इतने हॉपर लगा दिए सब कुछ लगा दिया एक चीज की कमी नहीं पड़ी जैसे ही फाइनल करने लगा कि मेरे को ऐसे अंदर से आ गया मैंने कहा आप करेंगे वैसे ही वैसे ही हगना है सब चीज सब चीज देनी है तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर ऑब्जर्वर चाहिए होंगे और यहाँ पर हम लोगों को ग्लास चाहिए होगा ग्लास से हम लोगों को इसको ऊपर बनाना पड़ेगा बेसिकली लिफ्ट होगी इससे सारा सामान पूम करके ऐसे उड़ के जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर जाते ही सारा सामान पूरे के पूरे फैक्ट्री के अंदर घूमेगा जिससे हम लोग बाद में तुम समझ रहे हो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता भी हूँ इसमें शॉर्टिंग भी कैसे करते हैं शॉर्टिंग भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा और हम लोग को वैसे बेसिकली सॉर्टिंग के लिए भी एरिया तो बनाना ही पड़ेगा राइट रेडी अब हम लोगों को क्या करना देखो हम लोग

अब जब ये इसको पूछ देगा तो ये चालू होगा फिर वो पट 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 ऐसे करके चलता है ना वो वाला हम लोगों को चाहिए ठीक है और हम लोगों को क्या चाहिए होगा हम लोगों को थोड़ा सा रेड स्टोन चाहिए होगा ठीक है और आई थिंक वो ऐसे लगता है रेड स्टोन बट ठीक है अभी टेस्ट कर लेंगे ना कोई बात नहीं सही कर दूंगा मैं दो मिनट में टाइम कितना ही लगता है मेरे को भाई मैं तो हूँ मैकेनिकल आदमी भाई तो मैं कर देता हूँ दो मिनट में सही मेरे से टेंशन मत लो तुम लोग भाई गॉड हूँ यार ऐसी थोड़ा ना बनाऊँ चलो अभी हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे पानी पानी डाल देना है हर जगह पे देर वी गो ए रुको रुके इसको बंद नहीं करना है भाई हेलो चलो ठीक है अरे वाह 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 अरे वाह बस वा, वा। वा। तो हो गया ये हम लोग चढ़ गए ऊपर भाई इस एर बोले हालता मैं भाई इस एरिया में पानी डालने में इतना डर लगता है ना मैं बता नहीं सकता यार सामान कब हट जाए पता नहीं और वैसे ही हट गया अब इस लिफ्ट को हम लोगों को ऐसे रखना है कि इसका जो पानी है वो फ्लो होते हुए इधर को आए ठीक है तो ये हम ढक देंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का मेरे को नहीं पता कितना दूर तक आया था। तीन ब्लॉक आता है पानी ऐसे करके बट ठीक है देखते हैं ना इसको हम लोग ऐसे कर देंगे ठीक है ओए रुक जा रुक जा रुक जाओ रॉकेट भाई रॉकेट तुम्हारे पिताजी छोड़ के गए हैं यहाँ हैं तुम यहाँ पर ऐसे बर्बादी कर रहे हो रॉकेट के हैं फिर बनाने जाना पड़ेगा अभी बैठना पड़ेगा वहाँ पर हाँ नहीं तो फालतू गिरी और रॉकेट की बर्बादी ये दो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ से हम लोग पानी डालेंगे तो ये इतना दूर नहीं आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो बट ठीक है कोई नहीं चलो ये ऐसे कर देता हूँ मैं ठीक है अब हम लोगों को क्या करना है बस देर वी गो यहाँ पर हम लोगों को एक ड्रॉपर के ऊपर जस्ट सोल सैंड लगानी है उसके ऊपर हम लोगों को ये कैल्प लगाते हुए आना है ये तो तुम लोगों को पता ही होगा ये तो लिफ्ट बन रही है नॉर्मल एक ठीक है देर वी गो ये कैल्प हम लोग तोड़ देंगे और ये बन जाएगी गुड़ 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 ठीक है अब हम लोगों को खाली इसको एक बार यूज करके देखना है बट यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले थोड़ा बहुत सामान डालना पड़ेगा राइट तो मैं क्या करूंगा देखो हम लोगों को बेसिकली शॉर्ट कैसे करना है सामान वो मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ देखो ये है जैसे ठीक है ये हो गया हम लोग इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे ये जो भी इसके आगे है ना मतलब कंपेरेटर के आगे जो भी हम लोगों ने ऐसे करके ये लगाए थे सारे के सारे हॉपर यस फिल्टर बोल रहे पता नहीं क्यों अब हम लोगों को क्या करना है देखो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को इनका यूज कैसे करना है बाय चांस मेरे पास ग्लास है ओके ठीक है मान लेते हैं हम लोग पहले वाले को ग्लास बनाना चाहते हैं थे क्या मतलब जब भी हो फिल्टर हो तो ये रुको एक काम करते थर्ड वाले को बनाते ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि यू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हम लोगों को क्या करना है फर्स्ट वाले में ग्लास डालेंगे और बाकी में हम लोग सारे के सारे फिल्टर्स डालेंगे तो हमने एक ग्लास डाल दिया और इसमें बाकी फिल्टर्स डाल दिए अब अगर ये आइटम हो पर फोर्टी पे रुक जाता है तो मतलब हमारा आइटम ऑर्डर सही बनाए अगर नहीं रुकता है तो फिर से शुरू करना पड़ेगा काम 41 पे रुक गया, करेक्ट फोर्टीन पर हमारा 41 पे रुक चुका है। रुक एक और चीज टेस्ट करते, है। करते हैं इस वाले को हम लोग अब वो बनाते हैं रेड स्टोन का बनाते हैं ठीक है ये रहा हमने बाकी में फिल्टर ला दी ये भी फोर्टी वन पर रुकना चाहिए करेक्ट ठीक है तो देखते हैं अगर ये काम करेगा या नहीं करेगा ठीक है ओके चलो अब देखोगा अगर ये आइटम्स खराब होता एक बार मान लो ये आइटम सोटर खराब है ठीक है तो बेसिकली इसमें जितने भी ये चेस्ट वेस्ट है ना इनके अंदर कुछ भी सामान नहीं ये देखो इस वाले में कांच इसका मतलब ये वाला कांच का होना चाहिए राइट इसमें एक लगा देता हूं और किस में आया हुआ रुको नीचे वाले में आते हैं ना ये इसमें आ रहा इसमें हमारा रेडस्टोन तो मान लेते ये वाला रेडस्टो है अब अगर ये खराब होता तो मैं यहाँ पे रेंडमली सामान डाल रहा तो बेसिकली कायदे से सबसे पहले चेस्ट में जाना चाहिए हॉपर से राइट अगर हम लोग सामान डालते हो तो सबसे पहले चेस्ट में जाता है फिर उससे अगले चेस्ट में जाता है तो बेसिकली ये इस वाले चेस्ट में जाना चाहिए पर अगर मैं सामान यहाँ पे डालू और वो सामान खुद ही शॉर्ट होकर सही जगह पे जाए तो इसका मतलब कि हमारा आइटम शॉर्टर सही बना हुआ है ठीक है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा देखो रुको मैं बताता हूँ तो तुम लोगों को हम लोग सिक्सटी वन रेड देखो रेड स्टोन सबसे पहले वाले में डाल ठीक है इस बार ये काम करेगा ठीक है मैं भाई मैंने बहुत घंटे घंटे लगा दिए भाई अगर ये काम नहीं करा तो मैं रो दूंगा ठीक है ये हो गया और हम लोग इस वाले में डाल देंगे ग्लास ठीक है तो रेड स्टोन गोल्ड ग्लास ठीक है रेड स्टोन गोल्ड ग्लास और मेरे पास कुछ है सैंड है ना मेरे पास सैंड भी ले लो ले जाओ रेड स्टोन स्टोन ग्लास सैंड ठीक है रेड स्टोन स्टोन ग्लास स्टैंड चंदू 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 के के चाचा 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 चाची चाची ने को करके कर दिया समझ रहे हो क्या क्या हो गया है मेरा मैं बता भी नहीं सकता भाई मैं इतने घंटों से लगा पड़ा हूं इस प्रोजेक्ट के पीछे भाई छोटा प्रोजेक्ट दिखने का हो सकता है बट ये बहुत ज्यादा मैसिव प्रोजेक्ट है मैं तुम लोगों को मजाक नहीं कर रहा यार मेरी हालत खराब हो गई है भाई अब मैं मैं क्यों झूठ बोल तुम लोगों से यार मेरे को नींद आ रही है मेरे को बहुत सारी चीजें बट ये काम नहीं करेगा जब तक मैं सो नहीं सकता भाई कैसे सो जाऊ मैं तो ठीक है देखो ये है रेड स्टोन गोल्ड ग्लास सैंड ठीक है अब हम लोग यहाँ पर उल्टा डालेंगे उल्... अरे इसमें स्टेयर रखनी पड़ेगी चलो अब हम लोग यहाँ पर उल्टा डालेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग सैंड है अच्छा ओके पॉबल स्टोन चले गया होगा हम लोग यहाँ पर डालेंगे सैंड ग्लास गोल्ड रेड स्टोन ठीक है लेट्स सी ठीक है सामान जा रहा है जब सामान जाना स्टार्ट हो चुका है लेट सी सारा सारा हम लोग का पहले वाले में कुछ नहीं आया सेकेंड वाले में कुछ नहीं आया थर्ड वाले में कुछ नहीं आया फोर्थ वाले में साइड लगी मुझे तुम लोगों ने थोड़ा हल्के में ले दिया तुम्हें लगा कि ओह हो यार लगता है गेमर फ्लीट से नहीं हो पाया वो नहीं बा... भाई हेलो बना दिया है भाई कंप्लीट है देखो अपना आइटम सॉर्टर ये देखो ग्लास खुद ही थर्ड वाले में आने लगे अगर ये खराब होता तो फर्स्ट वाले से भरता शुरू होता ना तो हम लोग को बस यही करना है अब हम लोगों को अगर इसको यूज करना है, तो हम लोग बेसिकली पहले ऊपर वाले सारे के सारे सॉर्ट करने फिर हम लोग नीचे वालों को सॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते तो हम लोगों को इसी हिसाब से भरना पड़ेगा जैसे अभी के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर हमारा ग्लास आ चुका है सारा का सारा यहां पर हमारा सैंड आ चुका है सारा का सारा और होपफुली अगला वाला गोल्ड होना चाहिए राइट रेड स्टोन गोल्ड सैंडे रहा गोल्ड आ गया ठीक है यहां पर अपना सारा का सारा गोल्ड अन लग गया और इसके बाद वाला

थक चुका हूँ सोरा सोरा चाहता हूँ मेरी आंखें नींद मांग रही है ठीक <laughs> है बट हम लोगों ने फाइनली पूरा पूरा काम कर लिया है और ये सही बता रहा है ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगेगा आई होप अच्छा अच्छा ही लगे और अगर अच्छा लगेगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूरी है ठीक है कंपल्सर ये रेडी वन टू थ्री गो हूँ अरे ये तो डॉग अरे यार फिर से करना पड़ेगा वन टू थ्री गो हूँ अरे यार ये डॉग भाई क्या है इसको मेरे को ऐसा लग रहा है डॉग खुद खिसक रहा है को थोड़ा -थोड़ा करके। One, two, three, go, ah, हम लोग कुछ भी आइटम शॉर्ट शॉर्ट आज शॉर्ट कर सकते हैं अभी मैंने लाइक like, वो नहीं बनाया बहुत सारे बनाने पड़ेंगे मेरे को एक्चुअली लेदर का सोचना पड़ेगा कि मैं लेदर कहाँ से लाऊंगा क्योंकि हम लोगों को ना बहुत सारे बेसिकली uh, वो चाहिए होंगे uh, क्या कहते हैं आइटम फ्रेम चाहिए होंगे जिसमें हम लोग आइटम लगा सके ताकि मेरे को पता रहेगी कि किस चेस्ट में क्या सामान जा रहा है हमारा और फिर हम लोग आराम से मैं तो सारा जितना उधर चेस्ट का है ना सारा इधर आके पटकने वाला हूँ तुम लोग देखो बस और बाकी अभी के लिए ये देखो ये है हमारा वही चेस्ट जिसके अंदर हम लोग ये मेरी चेस्ट प्लेट ये हमारा वही चेस्ट है जो हम लोग लाइक लिटरली जिसके अंदर हम सारा सामान डालेंगे और ये खुद ही जाके ऑटो साटो होगा ये हमारा मेंटेनेंस रूम है बाय बायद वगैया यहाँ पर हम लोग ऐसे करके मैन होल के थ्रू ऐसे जाते हैं यहाँ पर अपना काम वाम हो रहा है बढ़िया बढ़िया काम करते रहो चलाते रहो मशीन ठीक है ये हो गया ये हमारा आइटम ऑर्टर है सारे के सारे जो हम लोगों को अभी शॉर्ट करने और मतलब और हमें लगानी है ना चीज़ें तो ये रहा हमारा मेंटेनेंस रूम जिसमें हमें अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी ख़राब हो बट अगर कभी भी खराब होती है तो हम लोग यहाँ से जाके पूरा का पूरा चेक कर सकते दिखाऊँ तुम लोग को ये देखो अगर मैं चाहूँ तो बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं यहाँ से पूरा जाके चेक कर सकता हूँ लाइक इधर भी इससे हम लोग इधर को भी जा सकते हैं इधर से यहाँ से भी रास्ता ओके okay, ठीक है थोड़ा सा खराब हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं यहां से भी मैं रास्ता बना दूंगा ऊपर ऊपर से बना देंगे स्कैपोल्डिंग लगा देंगे मस्त करके ऊपर से चले जाएंगे ठीक है तो यहाँ से भी अपना पूरा का पूरा रास्ता है जहां से हम लोग जा सकते हैं तो मतलब बेसिकली अभी के लिए ये बिल्ड पूरा, पूरा का पूरा कंप्लीट है अब इसमें मेरे को धीरे धीरे करके जो जो चीजें मेरे को नेसेसरी लेंगी जो चीजें मेरे को भरने का मन करेगा मैं सोच रहा हूँ ना अभी इसमें से मैं ये जो गोल्ड वोल्ड मैंने तुम्हें दिखाने के लगा दिया ये सारा हटा दूंगा बेसिकली मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ सारा आ, वुड रहे अलग अलग टाइप की पांच टाइप की छह टाइप की वुड रहेगी उसके बाद फिर अगले वाले में हम लोग मे बी अलग अलग टाइप के स्टोन्स रख सकते हैं थोड़े और स्टोन्स रख सकते हैं फिर थोड़े मिनरल्स रख सकते हैं जैसे कि रेड स्टोन हो गया मतलब ओर्स रख सकते हैं बेसिकली रेड स्टोन कोल्ड हो गया तुम्हारा डायमंड हो गए एमरल्स हो गए सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं इवन नैदर आइटिंग वो पता नहीं कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे हेलो सपने देखने में क्या जाता है राइट तो ऐसी करके हम लोग इसको पूरा का पूरा भरेंगे फूड से भी भरेंगे अलग अलग चीजें वो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ऐसी कौन सी चीज़ों की जो आइटम सॉर्टर की जिसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिकली जो सबसे कम मिलेगी गेम के अंदर हमें जो तुम्हें लगता है कि नो ब्रो इसके लिए तो आइटम सॉर्टर नहीं लगने वाला ठीक है वो चीज़ मेरे को गारंटीड बताना और इसके भाई इसके छत पर तो दिवाली चल रही है पूरी इसने मेरी जान निकाल दी मजाक नहीं कर रहा करो इस बिल्ड ने ना